मैं आपसे बात करूंगा क्रेन का जो अपना हुक में लॉक होता है उसके बारे में, जिसको हुक लॉचेट भी बोलते हैं। क्या होता है, क्या नहीं, किस तरह उसका क्या क्या काम है, क्या नहीं है, उसे क्या फ़ायदा है, बेनिफिट, मैं सब चीज़ आपको बारे उसके बारे में बताऊंगा। वो क्या है नहीं है मैं उसको दिखाऊंगा भी किस काम के लिए। चलिए तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आप हुक देख रहे हैं ये मेरा हुक है, इसका सेफ लोड है 75 टन। तो आप लोग जो देख रहे हैं ये अपना जो भी हुक में ये सब जितना भी देख रहे हैं सब ये हुक है, यही है। देखिए हुक भी कई कितना टाइप का होता है ये भी मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए हुक है। और मैं चलिए हुक लॉचेट दिखाता हूँ आपको। चलिए तो आप ये जो देख रहे हैं ये इसी को हुक लॉचेट बोलते हैं। ये अपना सेफ्टी पिन है इसका, जैसे ये लग गया है अब कोई भी सीलिंग फंसाएगा तो इसमें आ जाएगा, इसको आने के बाद ये लॉक हो जाएगा, फिर वो बाहर नहीं निकलेगा। ये रहने से कैसे ये बेनिफिट है कि कभी काल हुक निकल जाता है या किसी तरह स्लिप मार रहा तो निकलने के बाद माल गिरेगा तो एक्सीडेंट हो जाता है काफ़ी बड़ा, तो इसलिए ये इसको भी ध्यान में रख कर कभी भी इसको लगा लेना चाहिए। और ये होना ही चाहिए, कंपलसरी होना ही चाहिए, नहीं तो आपको सेफ्टी वाला चलाने भी नहीं देगा और इससे होना चाहिए, रहेगा तो अपने लिए बेनिफिट है। बस यही सब हुक, उसी को हुक लॉचेट बोलते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो आपको चलिए तो वीडियो ख़त्म करते हैं। लाइक, जो वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जो कोई भी ऐसा आपको वीडियो कोई भी और भी कुछ आपको जानना हो तो आप लोग कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई भी सवाल क्रेन से रिलेटेड, मैं आप लोग को बताऊंगा। चलिए तो धन्यवाद।